जाएगा, उनको फायदा होगा, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग लड़े हैं तो इनसे हमारे अलायंस को फायदा होगा। बिल्कुल। और ऋषिका CNN 18 से पूछना चाह रहे, यू वांट टू आस्क हर? ऋषिका सादम फ्रॉम CNN। सवाल ये था कि वेस्ट यूपी में देखा जाए तो फेस वन कैंपेनिंग खत्म होने में एक हफ्ता बाकी है। योगी जी और मोदी आदित्यनाथ जी ने तो योगी आदित्यनाथ और मोदी जी कैंपेन शुरू कर दिया है। अखिलेश जी और आपने अभी तक वहां पे कैंपेन नहीं किया है, वो एक सवाल था। कांग्रेस मैनिफेस्टो ने तो आपने आंसर कर दिया। पवन कल्याण जी ने तो ओपनली सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया कि आपको पीएम बनना चाहिए। आपकी राय क्या है, आप भी कंटेंडर्स बनेंगे 2019 के बाद उसमें? देखो, जहां तक मेरा पीएम बनने का सवाल है तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी इलेक्शन चल रहा है, जब रिजल्ट आ जाएगा स्थिति क्लियर हो जाएगी। और जहां तक उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी का आपने कहा कि वहां पर अभी आपने चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया है, तो मेरे ख्याल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको भी नहीं है और दूसरी पार्टी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा 7 अप्रैल से तो वहां पर चुनाव अभियान जो है हमारा शुरू हो जाएगा। और पहली रैली जो है बिग रैली 7 अप्रैल को, तो वहां पर 3-4 लोकसभा की जो सीटें जिसका सेंटर पॉइंट जो है दिवन पड़ता है वहां पर होगी, और वहां पर समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव भी होंगे और लोकदल के जो अध्यक्ष हैं श्री अजीत सिंह भी होंगे। तो हमारी जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वो 7 अप्रैल से कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर पहले चरण में तो ज्यादा सीटों पर वोटिंग नहीं हो रहा, ज्यादा लोकसभा की बहुत कम सीटों पर हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमने प्रोग्राम अपना उधर का पश्चिमी यूपी का बनाया है। लेकिन इसके अलावा पहले चरण में कुछ जिन जिन राज्यों में पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं तो उसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए, तो इसलिए। और बाकी हमारी पार्टी के लोग उधर काम में लगे हैं, और जहां तक मेरा सवाल है वो 7 अप्रैल से उधर शुरू हो जाएगा, आप आना जरूर। बहन जी, ऑल इंडिया रेडियो से महेश पूछना चाह रहे कि ये थर्ड फ्रंट का जरूरती अब है क्या इस पॉलिटिकल सिचुएशन में, पोस्ट पोल सिनेरियो पूछना चाह रहे। अब ये तो वक्त आने पर रिजल्ट आएगा, स्थिति क्लियर होगी तभी हम कुछ कह सकते हैं। और एक सवाल था कि जो डिवीजन ऑफ वोट्स इस गठबंधन में आना चाहिए, अगर वो बीजेपी को हेल्प करेगा या नुकसान होगा, ये है इंडियन एक्सप्रेस से जनार्दन राउत। मुझे नहीं लगता है कि जो लोग ये केवल जो यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं कांग्रेस और बीजेपी, जो नेशनल पार्टी रीजनल पार्टीज, ये इस किस्म का गलत प्रोपोगंडा कर रही हैं कि इससे इसको फायदा होगा हमारे अलायंस से, मैं समझती हूँ। क्योंकि जो यहाँ की जो रीजनल पार्टीज हैं उनको जनता आजमा चुकी है, तो जितना ये लोग वोट काटेंगे हमारे अलायंस को फायदा होगा। और BSP का मालूम है कि हमारा जो वीकर सेक्शन का वोट है वो अकेले आंध्र के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर असेंबली सेगमेंट में, पार्लियामेंट सेगमेंट में आपको मिलेगा। तो और BSP केवल इधर ही नहीं, नेशनल लेवल पे हमने सर्व समाज को हम BSP में जोड़े हैं, और जो BSP का जो बेस वोट है वो तो बड़े पैमाने पर जुड़ा है। तो ये केवल हमारे अलायंस को नुकसान पहुंचाने के लिए ये एंटी प्रोपोगंडा है। मैडम जी, आप पवन कल्याण पार्टी में जनसेना में क्या देख के अलायंस के आए हैं? मैं ये देखकर आई हूँ क्योंकि इनके अंदर से, श्री पवन कल्याण जी के अंदर से कुछ ऐसी चाहत है कि मुझे कुछ गरीब लोगों के लिए करना चाहिए, आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए कुछ करना चाहिए, ये कुछ जनता के वेलफेयर में करना चाहते हैं। और दूसरा क्या है कि इसीलिए लोग कई स्टेट में भी, ये कई स्टेट में भी गए, जाकर भी देखा, यूपी में भी गए। और दूसरा क्या है कि ये वेल क्वालिफाइड हैं, यंग हैं, और इनको काफी तजर्बा है, और आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं।
फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी आप लोगों को अच्छी प्रकार से मालूम है, तो हर जगह ये कामयाब रहे हैं। तो जब उधर सक्सेसफुल हो गए हैं तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं सक्सेसफुल होंगे? तो मुझे पूरा भरोसा है जरूर सक्सेसफुल होंगे। हेलो सर, दिस किरण फ्रॉम डेक्कन क्रॉनिकल सर हियर, एंड माय क्वेश्चन इज फॉर मिस्टर पवन कल्याण जी। सर बीएसपी जनसेना एंड सीपीआई सीपीएम आर अगेंस्ट वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी। ऑल दिस पार्टीज आर अगेंस्ट वेस्टिंग द पब्लिक।